हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज के पार्ट नंबर 11 की, या फिर कह सकते हैं टेस्ट नंबर 11 की। आप अभी भी हमारा ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, 3 वीक बाकी हैं। 3 वीक में इस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करके काफ़ी अच्छी अपनी समेकित तैयारी की परीक्षा ले सकते हैं खुद ही। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए क्या सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो तरीका उसी पर डिपेंड करता है कि जिस चीज़ से आपका अपरदन हो रहा है। जैसे एरिड एरिया है तो वहाँ पर इरोजन किससे होगा, विंड से होगा। विंड वहाँ पर मृदा अपरदन करेगी। तो आश्रय बेल्ट यहाँ पर यानी कि शेल्टर बेल्ट्स अगर लगाए जाएंगे, शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली वेजिटेशन होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन लगाया जाता है जिस हिसाब से विंड आती है। तो विंड की वेलोसिटी को धीमा कर देते हैं ये वेजिटेशन, और एरिड एरियाज में विंड इरोजन या फिर कह सकते हैं सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ये चीज़ें कहाँ पर चलाई जाती हैं, चाइना वगैरह में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो हरित क्रांति शुरुआत हुई थी भारत में इसकी अर्ली 1960s में। हाई यील्ड वेराइटीज़ का इस्तेमाल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल को मिला करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का यहाँ पर विचार था। इसमें गेहूँ का भी देखा गया था योगदान, और देखा गया था राइस का भी, यानी कि पंजाब उत्तर प्रदेश में राइस और गेहूं दोनों जो है उगाया गया था काफ़ी ज़्यादा। तो दो यहां पर चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे हम, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस किसमें कुल सिंचित क्षेत्रों में से टैंक सिंचित क्षेत्रों का उच्चतम प्रतिशत निहित है। इसका मतलब है इंग्लिश में या फिर सरल भाषा में कि जितना इरीगेशन भारत में होता है उसमें से टैंक इरिगेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं कि टोटल इरिगेशन में से एरिया वाइज देखें तो टैंक इरिगेशन का हिस्सा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य कवर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मतलब इरिगेशन होता है टैंक्स के माध्यम से। अगला है बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है। बनिहाल कश्मीरी शब्द से आया है जिसका मतलब है ब्लिजार्ड, और कभी कभी स्टेट पूछा जाता है और कभी कभी तो है इनको इनकी रेंज भी पूछ लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक रेडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है, पूछा है। तो अच्छा, ये पूछा है कि किस राज्य से नहीं गुजरता है। बिहार से नहीं गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बिहार से ये नहीं गुजरता है। और आगे हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप भू माध्यम से यानी कि लैंड से अश्वगत से बैंकॉक तक की यात्रा करेंगे तो मूल और गंतव्य देश, यानी कि आप अश्वगत और बैंकॉक दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे तो किन देशों को आपने पार किया, उनकी संख्या कितनी है बताना है। तो 6 कंट्रीज आप पार करेंगे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीज हो जाएंगी 6, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं कम से कम 3 पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। तो 3 पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं 3 राज्यों की सीमाएं, वो कौन कौन से हैं आपके, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है। तो विभाजित करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ऑप्शन नंबर ए। और लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है ये भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल, 8। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 10 तेल्लुत रेगिस्तान कहाँ पर है। आपको 10 तेल्लुत रेगिस्तान देखने को मिलता है ईरान में, ऑप्शन नंबर बी। 10 तेल्लुत रेगिस्तान जो है यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है, ठीक है। 27वां सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार किस देश में, यूरेनियम रिजर्व्स या डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। हमसे पूछा है कि गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितना है। प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का है। यहाँ पर होना चाहिए करीब 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या इसको बोलेंगे हम लोग कि 270,000 स्क्वायर माइल्स। तो 270,000 स्क्वायर माइल्स के अराउंड यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ना ही 7 लाख किलोमीटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही जाएगा, यानी कि नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है कि उकाई रिजर्वायर जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। तो उकाई रिजर्वायर बना हुआ है तापी पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये गुजरात में है, उकाई डैम बोल सकते हैं इसको, ये तापी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बाद गुजरात स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है।
तो तुंगभद्रा है, भीमा है और कोयना भी है, लेकिन ये आपका प्रवारा नहीं है। प्रवारा जो है, प्रवरा नदी जो है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और ये महाराष्ट्र में बहती है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि उच्चतम जल लवणता वाली झील कौन सी है, हाईएस्ट सैलिनिटी किस में होगी, तो सांभर लेक में। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। हर यूपी पीसीएस एस्पिरेंट को यहाँ पर पता होगा कि 2018 पीसीएस में उन्होंने जॉग फॉल नहीं माना था, उन्होंने माना था कि कुंचिकल फॉल्स जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है थान मेडिको राज्य में, अच्छा थान मेडाइको जो है ये लोकल नेम्स हैं सेक्रेट ग्रूव्स के, तो ये पवित्र पेड़ या सेक्रेट वेजिटेशन किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये सेक्रेट ग्रूव्स हैं असम के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जो है अधिक सबसे मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, भारत में निम्न में से सबसे अधिक मैंग्रोव वेजिटेशन किस क्षेत्र में मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो डाउट वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आएगा गुजरात का सेकंड नंबर पर, फिर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैंग्रोव्स के मामले में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन सा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपका जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सुरक्षा जो है उच्चतम पाई जाती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में होता है, तो ये नेशनल पार्क में होता है। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है मिनिमम रखा जाता है, इसलिए इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हम लोग कह सकते हैं। आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन्स जो हैं कहाँ पर, सॉरी किस सॉइल में उपजते हुए देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, तो पॉटजोल सॉइल में होते हैं इस तरह के वेजिटेशन, ठीक है, पॉटजोल मिट्टी, ये एसिडिक सॉइल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नियमागिरी हिल्स जो है निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो नियमगिरी हिल्स हैं यहाँ पर बॉक्साइट के डिपॉजिट्स देखे जाते हैं, क्योंकि हिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये साउथ वेस्ट ऑफ ओडिशा में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इसको कह रहे हैं, तो ये बनाया जा रहा है चेनाब रिवर पर, ऑप्शन नंबर बी। इसकी हाइट करीब बताई जा रही है 359 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि यह झील असम में स्थित है और इसे कभी कभी टॉर्टोइज लेक भी कहते हैं, आप इस झील का नाम बताइए, तो ये झील है आपकी हजोंग लेक, ठीक है। ये आपका जो नॉर्थ साकर हिल्स पड़ते हैं आपके असम में, वहां पर मिलेगी ये झील, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। लूनी नदी या इसको लावणावरी नदी भी कहते हैं अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गिरती कहाँ पर, ये बताना है, तो ये जो है रण ऑफ कक्ष के पास जा करके सूख जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कक्ष के रण में जा करके विलीन हो जाती है। भारत के कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मनी बिल को किसकी पूर्व सहमति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है, तो किसकी सहमति से, गवर्नर की सहमति से या संस्तुति से, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद को धारण करके रह सकता है, द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो ये है आर्टिकल नंबर 213 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा जहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, ये एक पेक्यूलर फैक्ट है लेकिन ये सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रपति, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, यहाँ पर अध्यक्ष लिख गया है,
राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। हमको बताना है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है, किस संविधान या फिर किसके नियमावली पर या फिर किसके अनुदेशों पर आधारित है। तो स्कैंडिनेविया में जो लोकपालों का गठन होता है उसके तर्ज पर हमारे यहाँ पर ओम्बड्समैन का गठन होता है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेविया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आप हमको कमेंट करके बताइए, तीन कंट्रीज का नाम आप बताइए, और स्कैंडिनेविया में कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड कर देंगे तो वो नॉर्डिक कंट्री बन जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। वैसे कई स्रोतों से हमने लिया है लेकिन सबसे ज़्यादा हमने कॉपी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और जो काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी वो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके पास नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो आपको बता दें आर्टिकल नंबर 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा अगर मेजॉरिटी से, ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट की मेजॉरिटी से और वोटिंग से डिक्लेयर कर दे कि देश को ज़रूरत है एक नई सर्विसेज की, तो नई सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की यहाँ पर जो है मेजॉरिटी, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से उनको जो है संस्तुति देनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी मुद्दों की सुनवाई किसके द्वारा की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। और ये बात मेंशन करी गई है आर्टिकल नंबर 71 में। अगला है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है किससे संबंधित है, फोर्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। फोर्थ शेड्यूल आर्टिकल नंबर 4 का 1 और 80 का 2, तो एलोकेशन जो सीट्स की होंगी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, यानी कि विधान परिषद में, सॉरी राज्यसभा में, ठीक है, मतलब विधान परिषद ने राज्यसभा में जो सीट्स की संख्या कितनी होगी उससे संबंधित है ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला है कि बीआर अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा है। तो बीआर अंबेडकर जी ने किसको हार्ट एंड सोल बोला था आर्टिकल नंबर 32 को, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में लिखा हुआ है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे, ये कब शामिल किए गए थे तो सभी को पता होगा, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी क्लीशी क्वेश्चन ये। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए, और इंडिविजुअली जो है ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा में दो महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर था हो जाएगा क्योंकि अब ये सब पार खत्म हो गई हैं, किसकी, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर अब आप जानते हैं कि सब उसमें सब खत्म हो चुका है आर्टिकल नंबर 370 वाला हिसाब किताब, तो अब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वैसे भी ई जाएगा, पहले भी ई जाना था क्योंकि कश्मीर मतलब ये राइट ही खत्म कर दिया आप कुल मिलाकर के, आप जानते हैं। अगला है जनगणमन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर ये जनगणमन सबसे पहली बार गाया गया था। संविधान सभा के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प क्या होगा, तो सही विकल्प है कि सीटों का आवंटन का आधार जनसंख्या बनी थी, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि 1947 में कौन चल रहे थे आपके अध्यक्ष, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। जे बी कृपलानी के बाद बने थे पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के पहले कौन से यूरोपीय दो बार जो है कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये रहेंगे विलियम वेडनबर्न। ये 1889 में रहे हैं बॉम्बे सत्र में और 1910 के इलाहाबाद सत्र में रहे हैं, विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा जो है डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया था, जिसके बाद जो है बंगाल में काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स देखने को मिले थे, ये ऑब्जर्व किया गया था 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश क्राउन के साथ रियासतों के संबंध में किसने कहा था कि सर्वोपरिता को सर्वोपरि रहना चाहिए, यानी कि किस रिपोर्ट ने कहा था कि पैरामाउंट सी मस्ट रिमेन पैरामाउंट, तो ये कहा था बटलर कमीशन की रिपोर्ट ने, ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेजर कमीशन का संबंध एग्रीकल्चर से है और आपका मैकडोनल्ड कमीशन का संबंध है आपके फेमाइन से, यानी कि जो अकाल पड़े थे उससे। अगला है, अब भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी। और ब्रिटिशर्स ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कब किया था इस डिमांड को? अगस्त 1940 में, भी पूछा जा चुका है। अगला है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, विट्ठल भाई पटेल। ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किसका प्रकाशन किया था, किस किस का पब्लिकेशन किया था? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन का, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। 1903 से 1915 तक ये चला था, ठीक है, इसका प्रकाशन। अगला है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ये बताना है। तो गांधी जी जो है स्वदेशी से नहीं जुड़े थे क्योंकि उस समय वो इंडिया में थे ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है कि भारत स्वतंत्रता लीग के संस्थापक कौन थे, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कुल मिला के पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी, राष बिहारी बोस। स्वाली की लड़ाई किन दो यूरोपीय देशों के बीच लड़ी गई थी, बताना है। ये दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुई थी 29 और 30 नवंबर 1612 को। जो स्वाली है या फिर इसको सुवाली बोल सकते हैं, सूरत सिटी के पास एक विलेज है, ठीक है, गुजरात में। तो ये हुई थी पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच, और जीत किसकी हुई थी? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स की। थॉमस बेस्ट ने नेतृत्व किया था यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। भारत ने के किस वायसराय ने पहला कारखाना अधिनियम पारित किया था? ड्यूरिंग विच वायसराय ऑफ इंडिया डज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड अरविन के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को स्थापित करने वाली निर्णायक लड़ाई कौन सी साबित हुई थी, इसके बारे में दिया हुआ है हमारे स्पेक्ट्रम वगैरह कई बुक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ बक्सर। लॉर्ड लिटन की वाइसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैक्सिमम एज थी कैंडिडेट्स की उसको यहाँ पर 21 से 19 वर्ष कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर भी, लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन यहाँ पर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 1872 में अंडमान के एक पठान के द्वारा कार्यकाल के दौरान मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे, जिनका मर्डर किया गया था? तो ये थे लॉर्ड मायो, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड मायो ने लॉर्ड मायो के टाइम पर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इस वजह से हम इनको याद रखते हैं हिस्ट्री में। राजा राम मोहन रॉय के अलावा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड हेयर ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बैद्यनाथ मुखोपाध्याय, रामसे दत्त और राधा कांत देव, ये जो है ये संस्थापक सदस्य थे इस कॉलेज के। अगला है, आमतौर पर 22 मार्च 2019 को मतलब बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार ने इस साल 2019 में कौन से नंबर का दिवस मनाया? बिहार ने 107वां दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? वर्तमान में बिहार सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। 80 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्ति के खाते में कितने रुपए की धनराशि आएगी? ये आएगी 500 रुपये की, ठीक है, और जो 60 के ऊपर है उनके पास आएगी 400 रुपये। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, सबको मिलेगी ये। बस ये होना चाहिए कि आप किसी और स्कीम से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या बिहार की गवर्नमेंट से और कोई पेंशन ना रिसीव करते हो। तो बिहार के लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके श्री श्याम किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 2017 में। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में हाल ही में स्वीकृत बक्सर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1320 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार को किस वर्ष तक क्षय रोग यानी कि टीबी से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है बिहार को टीबी फ्री कर देंगे 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी। और यही हमारा नेशनल टारगेट भी है,
भारत देश भी ट्यूबरकुलोसिस पर विजय पाना चाहता है 2025 तक। तो 2019-2020 के बजट में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन मिला है? 34,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर आवंटित किया गया है शिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी। और टोटल बजट कितना है? 2,05,000 करोड़ रुपए, हमने बताया हुआ है आपको, बजट का वीडियो जरूर से देखिए। 2017-2018 में किस राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो बिहार यहाँ पर करेक्ट है। बिहार और आंध्र प्रदेश काफ़ी क्लोज हैं। बिहार की जहाँ पर ग्रोथ रेट चल रही है 11.3%, वहीं आंध्र प्रदेश की चल रही है 11.2%। बिहार टॉप पर है यहाँ, इकोनॉमिक सर्वे में बताया था हमने। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती मनाने के लिए पीएमजी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? ये ओल्ड करंट अफेयर है, लेकिन आ सकता है 350 रुपये का सिक्का जारी किया गया था 2017 में, जब हमने जो है 350वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई थी। विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, चंपारण में। 60% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यूनियन गवर्नमेंट का है, बाकी 40% जो है स्टेट बर्न करेगा और उसका भी लोन जो है नाबार्ड से मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, इसको मंडल डैम प्रोजेक्ट बोलेंगे। अगला है, शराब की तस्करी को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला, यानी स्पेशली ट्रेंड डॉग स्क्वाड को तैनात करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? तो ऑफकोर्स इसका आंसर होगा बिहार। बिहार करंट अफेयर में बताया था कि पटना में डॉग स्क्वाड रखा गया है इलीगल लिकर को पकड़ने के लिए। अगला है, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा के लिए प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है, वो कौन है? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आए तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑफकोर्स नीतीश कुमार को मिलेगा, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली बिहार करंट अफेयर हो सकता है, मतलब हर बार नहीं, 90% केसेस में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला है, कौन सा नौसेना जहाज औपचारिक रूप से बिहार रेजिमेंट से संबद्ध किया गया था 2018 में? आपके एयरफोर्स के 6th स्क्वाड्रन से और बिहार से संबद्ध किया गया था हमारा INS विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। हमारी नेवी में लार्जेस्ट शिप है ये, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने बिहार के साथ 2 शहरों में जल आपूर्ति परियोजना हेतु $84 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये किसने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB से क्या होगा कि सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भागलपुर में, गया में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में इम्प्रूव, सॉरी हाँ, मुजफ्फरपुर में इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, ए। नालंदा जिले के राजगीर में राज्य और सामाजिक व्यवस्था की धर्म धम्म परंपराओं पर 4वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन सेलिब्रेट किया गया, ये किस देश के साथ साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ स्वरूप मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल PIB की न्यूज़ है ये। तो भारत और आसियान संवाद साझेदारी के 25वीं वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, प्रेसिडेंट कोविंद जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर एक्टिव भूमिका में थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर निर्मित सभ्यता द्वार का उद्घाटन बिहार के CM ने किया था, इसमें किसके शिलालेख शामिल किए गए हैं, मतलब शिलालेखों की बातें शामिल की गई हैं? तो इसमें बुद्ध की भी, मेगस्थनीस की भी और अशोक की भी। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ई। मेगस्थनीस की भी इंस्क्रिप्शन से लिया गया है यहाँ पर टेक्स्ट, बुद्ध इंस्क्रिप्शन से भी और अशोक के पिलर से भी। अगला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का अनावरण किया था, ये करीब 8 महीने पहले की न्यूज़ है। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बिहार के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार को GI टैग निम्नलिखित में से किसके लिए मिला हुआ है? तो जरदालू आम के लिए भी, आपका कटारनी चावल के लिए भी, मगाही पान के लिए भी, शाही लीची के लिए भी, और अभी लेटेस्ट में जो आया है सिलाव खाजा मिठाई, उसके लिए भी। तो इन चारों को एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव। किस राज्य में NCERB के अनुसार SC ST के खिलाफ सबसे कम अपराध हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपकी बार जो सोच रहा है बिहार, तो ऐसा नहीं है। बिहार में SC ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किया गया NCERB की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना, अच्छा देख चुके हैं हम लोग। अगला है कि बिहार में किस मेले को 2018 में राज्य के मेले का दर्जा मिला? तो स्टेट दर्जा मिल चुका है बांसी मेले को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बांका डिस्ट्रिक्ट के आसपास लगा करता है, सी। बिहार के मेले से एक और क्वेश्चन, बिहार में कौन सा मेला अपने पशु मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो ये
मतलब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कह सकते हैं, सोनपुर पशु मेला ये लगा करता है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त एग्जीबिशन लगता है, जो पशु बैन कर दिए हैं सरकार ने उसको छोड़ करके आपको सारे पशु यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है 2018 में? ठीक है, द ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में कई कैटेगरी थी, उसमें एनिमल हस्बेंड्री स्टेट, बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री स्टेट की कैटेगरी में बिहार ने यह अवार्ड जीता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जाएगा बी। और ये अन्य कैटेगरीज भी हैं ये रखी गई, जैसे लाइवलीहुड लीडरशिप अवार्ड शैलेन चौधरी जो MD हैं NERCORMP के शिलोंग में, और इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड सोनालिका ग्रुप को दिल्ली में। आप खाली बिहार का ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला है सामान्य बिक्री कर किसका रूप है, जनरल सेल्स टैक्स, ये किसका फॉर्म है? तो ये फॉर्म है आपका कंजम्पशन टैक्स का, उपभोग कर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आएगी? तृतीय क्षेत्र में कौन सी आएगी आपकी, जो सर्विस से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP क्या होता है? तो GDP होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। हमारी सीमाओं के भीतर जो भी चीज बनी है, ठीक है, एक वर्ष में, वही है GDP। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। और इसी NNP को जब डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से तो हमको पर कैपिटा इनकम मिल जाया करती है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन का डेटा कौन जारी करता है? तो ऑफकोर्स इसका आंसर CSO होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार बिहार ने पूछा है प्रीवियस ईयर में, इसको ले लिया है हमने। अगला है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं होगी? ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है कि फार्मर जो है अपने फसल का हिस्सा खुद ही अपने खाने पीने के लिए जो रखता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टर्म वॉलेंटरी रिटायरमेंट से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1952 में, 1952। मॉनेट प्लान किससे संबंधित है? ये कुछ टर्म पूछे जाते हैं आपके इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। मॉनेट प्लान कहा गया है कि जो पहला 6 ईयर प्लान था 1947 में फ्रांस का, उसी को कहते हैं मॉनेट प्लान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आर्थिक और सामाजिक योजना, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये जो है ये किसका सब्जेक्ट है ये बताना है कुल मिला करके, किसका विषय है? तो ये है कंकरेंट सब्जेक्ट, समवर्ती विषय है। अगला है, एग्मार किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एग्मार जारी किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और अगर और स्पेसिफिकली पूछें तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है वो इसको जो है अप्रूव करता है। ठीक है, अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए। और पेपर करेंसी पूछ लें तो वो RBI होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये होली ओन्ड सब्सिडरी किसकी है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली ये सब्सिडरी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को और क्या कह सकते हैं? तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आयकर को प्रगतिशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बोझ किस पर पड़ता है? इनकम टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव बिकॉज इट्स बर्डन फॉल्स लेस हैविली ऑन द पुअर देन ऑन द रिच, यानी कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर इसका बोझ कम पड़ता है। अगला है कि फिलिप्स वक्र एक ग्राफिक वक्र है, फिलिप्स कर्व इज अ ग्राफिक कर्व विच एडवोकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ, मतलब फिलिप कर्व से आप क्या शो करते हैं? तो इससे हमको पता चलता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में जो संबंध है वो। अगला है, आकाश मिसाइल की रेंज कितनी है? तो आकाश मिसाइल की रेंज है करीब 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, और 18,000 मीटर तक जाकर के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगला है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स? तो ये मनाते हैं हम लोग 29 जून को, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 ये कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, पोलैंड में हुआ था। अगर पूछ लें पोलैंड में कहाँ पर, तो कैटोवाइस में, कैटोवाइस। अगला है कि संगाई पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई पर्यटन महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ईपीसीए जो है, ये किसने इसका गठन किया था? तो किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, अब बताइए इस समय इसके चेयरपर्सन कौन है? सर्च करके अगर आपको पता है तो बताइए, वरना गूगल से देख के बताइए जल्दी से। अगला है कि आपको WWF TX2 प्रोग्राम जो उनका है, इनके अनुसार कौन सी कंट्री है जिन्होंने पिछले एक दशक में अपने टाइगर यानी अपने चीतों की संख्या जो है वो दोगुनी कर ली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। अगला है कि किस देश ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी जो है निकाली है? तो ये है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम किसे मनाते हैं? तो ये होता है 16 सितंबर। आगे हम देखें तो अटल इनोवेशन मिशन किसका प्रमुख कार्यक्रम है, ये किस कौन इंप्लीमेंट करता है इसको? तो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शबला तेज सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शबला तेज सिंह मंदिर है आपका पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कुछ भी मंदिरों से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दीदी के बोलो अभियान किस स्टेट ने शुरू किया है? दीदी के बोलो का बंगाली मतलब है कि दीदी को बताओ, टेल दीदी। तो दीदी कौन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, वेस्ट बंगाल। अगला है कि पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 किससे संबंधित थी? पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 ये एसोसिएटेड है टाइगर से। 110वां धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। में खाली स्टेट का नाम क्यों लिख रहे हैं हम, बकायदा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि सम्मेलन में जो है जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने कई चीज़ें विजिट करी थी, तो इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई डेलीगेट कहीं नालंदा गए थे, कहीं बोध गया गए थे, तो इतना आपको डीपली नहीं पूछेगा। अगला है कि राष्ट्रीय विरोधी मुनाफाखोरी प्राधिकरण जिसको नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बोलते हैं, ये किस एक्ट के तहत सेटअप की गई है? तो ये जीएसटी एक्ट के तहत अस्तित्व में आई है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कि इसके हेड कौन होते हैं? ये सब हमने करंट अफेयर में बताया हुआ है, करंट अफेयर के वीडियो में। अगला है हाल ही में किस राज्य ने कारखानों में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये चीज़, आंध्र प्रदेश ने किया था कि वहाँ पर जो मतलब प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट भी हैं वो उनको भी 75% जॉब्स लोकल लोगों को देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि 113 113 नंबर में है कि फॉर्च्यून ग्लोबल शीर्ष 500 कंपनीज की सूची में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है जिसने फ्लिपकार्ट को बाई किया था, ठीक है, वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इंक पॉट की खोज हड़प्पा किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? इंक पॉट दवात कहाँ से मिली थी हमको? तो दवात मिली थी आपकी छानुदाड़ों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिक्स, ऑफ कोर्स, वो भी बर्नट ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। ये बीपीएससी ने लगभग मतलब पिछले 10 सालों के पेपर में हर साल पूछा है। हमको बताना है कि जो आपका क्रिश्चियन एरा है वो शक एरा से कितना आगे है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शक एरा जो है वो कब के लिए है, कब से शुरू हुआ था। तो 78 AD से शुरू हुआ था, तो 78 AD यानी कि आगे 78 साल पीछे फिर BC में पहुंच गए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। अगला है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक कौन था? ठीक है, जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति है वो किन किन शासकों के बारे में बताती है? तो कांची के बारे में बताया गया था, कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में जो था वहाँ पर रूलर हुआ करता था आपका विष्णुगोप, ऑप्शन नंबर बी। इससे संबंधित एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था आपके UPSC 2018 प्रीलिम्स में।
अगला है कि मौर्यों के राजस्व विभाग में निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य के सभी राजस्व संग्रहों का प्रभारी था? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने अधिकरण है ये पूछा जाता है, बताइए कितने अधिकरण है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और बाकी हमारी जो आंसर की है उसमें सब दिए हुए हैं, पेड ग्रुप वाले जो अगर वीडियो देख रहे हैं उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, सब उसमें गिवेन है। अगला है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में से कौन शामिल नहीं है? अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है राइट डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर की कोई बात नहीं यहाँ पर कही गई है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट समाधि, इन चीज़ों की बात कही गई है। अगला है कि महामस्तकाभिषेक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये टर्म एसोसिएटेड है बाहुबली के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहली बार किस मुगल ने जजिया कर को समाप्त किया था? ठीक है, तो जजिया कर को समाप्त किया था जहानदार शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। बहादुर शाह प्रथम का सक्सेसर था, जहानदार शाह ने जजिया हटा लिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं हम लोग? तो रोशन अख्तर है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला भी इनका नाम है। रफ़ी उद दर्जात जो है इसको कहा जाता है कि सबसे कम समय के लिए, ठीक है, एक वर्ष से भी कम समय के लिए ये शासक बना था, रफ़ी उद दर्जात। भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कहाँ था? तो पहला किला बनाया था उन्होंने यहाँ पर कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी। और कालीकट में आया था वास्को डी गामा, ये आपको पता है 1498 में, दोबारा आया था 1503 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलों की जबती प्रणाली के तहत राज्य की उपज के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा कितना था? तो मतलब कितना लिया जाता था, वैसे तो ये 10 ईयर असेसमेंट पर आधारित था लेकिन इसमें हिस्सा लिया जाता था करीब 1/3, ऑप्शन नंबर बी। और जबती प्रणाली जो है ये कहाँ से अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से आई थी? सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत करी थी और थोड़े सा मॉडिफिकेशन के साथ अकबर ने इसको यूज़ किया था। अगला है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा लिखी है बाबर की सौतेली बेटी ने और सौतेली बहन हुमायूं की गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत जो है किसके शासनकाल में अपने पूरी कर ली? तो शेर शाह के शासनकाल तक पद्मावत जो है लिखी जा चुकी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि का नया विभाग शुरू किया था, उसका नाम क्या है? तो कृषि से रिलेटेड विभाग है आपका दीवान कोही, ऑप्शन नंबर डी। रामचरितमानस की आपकी रचना तुलसीदास जी के द्वारा किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बादशाह अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी जिस पर निम्नलिखित जैन दार्शनिकों में से एक हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रॉन्ग ट्रांसलेशन है इसका, ये पढ़ते हैं इंग्लिश वाला। एम्परर अकबर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग जैन फिलोसफर, यानी कि किस जैन दार्शनिक को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, हीर विजय या हर विजय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के चारों कोनों में चार मठों यानी मोनेस्ट्रीज की स्थापना किसने की थी? तो चार मठ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। कहाँ कहाँ पर की है? इन्होंने की है चारों हिस्सों में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, आप नाम बता सकते हैं, एक तो पुरी है उनमें से। अगला है कि भारत में सूफी जो आपका ऑर्डर है उसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, यानी कि कौन सा सिलसिला सबसे पहले शुरू हुआ था उसको पहले रखेंगे। तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिला शुरू हुआ था, फिर सुहरावादी, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जाएगा। सुहरावादी किसने शुरू किया था? अबुल अल नाजीब सुहरावादी ने, ठीक है। और कादिरिया इरा किसने शुरू किया था? कादिरिया ऑर्डर, ये अब्दुल कादिर गिलानी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। हमको बताना है किस चोल शासक ने सबसे पहले सिलोन यानी कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमारे चोल वंश के काफ़ी शासकों ने चढ़ाई की है श्रीलंका पर, लेकिन सबसे पहले नाम आएगा राज राज प्रथम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की है, ये मठ जो है कहाँ कहाँ पर? देखिए आगे क्वेश्चन, तो बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
गीत गोविंद किस मतलब गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव जो हैं किसके समकालीन थे या किसके दरबारी थे, पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे आपके जयदेव, जिन्होंने लिखी है गीत गोविंद। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, ये किस वंश से संबंधित है? तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से संबंधित है, पूर्वी गंग शासकों से। ऑप्शन नंबर बी, गंग वंश के हैं नरसिंह देव। वाहिंद का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दशकुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है दंडिन ने, दंडिन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीक ग्रंथों में अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा जाता है, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला? तो ये है बिंदुसार, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक हम लोग देखेंगे मैथ सेक्शन को। तो पहला क्वेश्चन है अपना, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन एग्रीड टू डू अ वर्क इन 60 डेज। कुछ व्यक्तियों ने किसी काम को पूरा करने का निश्चय किया, कितने दिनों में? तो 60 दिनों में। फाइव मैन डिड नॉट कम फॉर वर्क। अब इनमें से पांच लोग काम पे आते ही नहीं हैं, मतलब अगर मान लीजिए पहले एक्स लोग थे तो काम पे पांच लोग नहीं आए, तो काम पे कितने लोग आए फिर? एक्स माइनस फाइव। ऐसी कुछ बात यहाँ पे की जा रही है। और जो ये एक्स माइनस फाइव थे, दे कम्प्लीटेड द वर्क इन 80 डेज। तो पहले क्या हुआ, एक्स नंबर ऑफ वर्कर को 60 दिन में पूरा काम खत्म करना था, तो वर्क बराबर मैन इंटू डेज होता है, इस वजह से एक्स इंटू 60। अब ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, इस वजह से इक्वल टू का साइन। और अब की बार हमारे पास वर्कर हैं एक्स माइनस फाइव, और अब की बार दिन कितने लगे हैं 80। तो बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स निकाल लीजिए। और पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैन हु हैड एग्री टू डू दी वर्क इनिशियली। शुरुआत वाले आदमियों की संख्या आपको बतानी है जो कि एक्स है। तो यहाँ पे 60x बराबर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 23 जा 24 जा, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 4 5 जा 20, एक्स बराबर आ गया 20। ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन थ्री सब्जेक्ट्स वॉज 1:2:3। ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा, और ये रहा आपका तीसरा सब्जेक्ट। अब इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 1:2:3। तो ये तो रेशियो है ना, किसी से भी तीनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो तीनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई करते हुए नंबर बना दे रहा हूँ, 100, 200 और 300। अगर पहले सब्जेक्ट में 100 नंबर मिलते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में 200 मिलेंगे, और उसी तरीके से तीसरे सब्जेक्ट में 300 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अब आगे है, द स्कूल डिसाइडेड टू अलाउ द ग्रेस ऑफ 5% फॉर ईच स्टूडेंट। अब ग्रेस अलाउ करने का मतलब ये हुआ कि तीनों सब्जेक्ट में 5% की बढ़ोतरी करना, यानी कि ये 100 नंबर तो आए ही आए, लेकिन इनमें से 5% स्कूल अपनी तरफ से देगा। तो 100 का 5% होता है 5, तो नए नंबर हो जाएंगे 105। इसी तरीके से इस 200 की अगर हम बात करें तो 200 का 5% यहाँ से हो जाएगा 10, क्योंकि 10% होता है 20, 5% मतलब आधा यानी 10, तो नए नंबर आ जाएंगे 210। इसी तरीके से 300 का 10% होता है 30, लेकिन हमें 5% ही लेना है, यानी 15 एक्स्ट्रा हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, 315। अब इसका आपको फाइनल रेशियो बताना है कि ग्रेस अलाउ करने के बाद ये नया रेशियो कितना हो जाएगा। 105 वन ज़ा, ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, अभी भी रेशियो 1:2:3 ही रहेगा, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:3। ऑप्शन नंबर ए। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 97। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, लगातार नंबर्स। जैसे 75 के बाद अगला कौन सा आएगा, 76, फिर 77, इसी तरीके से 97 से ठीक पहले वाला आ जाएगा 96। अब ये बताइए ये सीरीज़ किसकी है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी की सीरीज़ है, बिकॉज यहाँ पे लगातार दो टर्म्स के बीच में प्लस वन का गैप देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितने नंबर हैं। ये निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, एन बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास आखिरी नंबर भी है पहला नंबर भी है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डिफरेंस।
जो लगातार एलिमेंट के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है वही यहाँ पे हमारा डिफरेंस होगा। अब ये जो वैल्यू निकाली आपने इसमें प्लस वन और करिए तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 97 माइनस 75, आखिरी नंबर 97, पहला 75, डिफरेंस तो वन का है बिकॉज नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। प्लस वन 97 माइनस 75 यानी कि 22, 22 प्लस 1 23, तो 23 नंबर कुल मिला के आपके पास हैं और आपको इन सब का सम बताना है। तो सम बराबर होता है एपी की सीरीज़ का एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे एन क्या होते हैं उस सीरीज़ में कितने एलिमेंट हैं, तो उस सीरीज़ में कितने एलिमेंट हैं 23 हैं, 23/2 75 प्लस 97 यानी कि 23/2 गुणे में 172, 2 172 को 86 बार में काटेगा, 86 × 23 को आप लिख सकते हैं 86 × 20 + 3, 86 × 2 172 और 1 0 1720, तो यहाँ से हो गया 86 × 3 80 × 3 होता है 240 और 6 3 18 यानी 258, ये 8, ये 7, ये 19, 1978 यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x, तो ये जो 1/x है ये क्या हो जाएगा इसको पहले देख लेते हैं। इंटू 7 + 4√3 रैशनलाइज करा रहे हैं हम लोग, 7 + 4√3, तो ऊपर तो 7 + 4√3 ही रहेगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 7² - 4√3 का होल स्क्वायर, ऊपर तो 7 + 4√3 ही रहेगा लेकिन ये हो जाएगा 49 - 4² = 16√3 3, 16 3 48। 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 7 + 4√3। अब हमें निकालना है x प्लस 1/x, तो इसमें इसको जोड़ देंगे 7 - 4√3 को, इससे ये कट जाएगा, ये 7 है और 7 7 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो ये ए है ये बी है, तो अगर बी की स्पीड 1 है तो ये उससे 2 गुना तेज दौड़ता है, इसका मतलब इसकी स्पीड 2 होगी, सिंपल बात है। उसके बाद आगे दिया हुआ है बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, तो जो हमारा सी है ना बी उससे 3 गुना तेज दौड़ता है और बी की स्पीड हमें कितनी पता है 1, तो ये पक्का 1/3 रहा होगा, तभी तो इसमें 3 का गुणा करके बनाया होगा। तो सी की स्पीड हमने कितनी निकाल ली 1/3। अब ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इससे कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमें स्पीड का सिंपल सा रेशियो पता चल जाएगा। स्पीड का सिंपल सा रेशियो क्या है, 2 3 6 और ये 3 और ये 3 से 3 कटा तो 1 बचा, स्पीड का रेशियो इतना आ गया। आगे है द जर्नी कवर्ड बाई सी इन 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट, बिकॉज 1.5 घंटे को आप लिख सकते हैं 1 घंटा + आधा घंटा, 1 घंटा में 60, आधे घंटे में 30 मिनट, तो कुल मिला के 90 मिनट। हमें दिया हुआ है कि सी 90 मिनट टाइम लेता है, तो स्पीड के रेशियो से टाइम को रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, हमें टाइम का रेशियो पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, स्पीड के रेशियो को अगर आप रेसिप्रोकल कर लें बस निकल आ जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, तभी मैंने कहा कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1, 6 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो तीनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 6 से 6 कटा 3 2 जा यानी 1:2:6, ये हमारा टाइम का रेशियो आ चुका है तीनों पर्संस के लिए, ए बी और सी के लिए। तो अगर सी को 6 मिनट लगते हैं तभी बी को 2 मिनट लगेंगे और तभी बी को 1 मिनट लगेंगे, यही तो मतलब हुआ रेशियो का। ये हमारे हिसाब से था, सवाल के हिसाब से सी को कितना समय लगा 90 मिनट यानी 6 = 90, 6 15 जा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। अब हमसे पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा, ए को हमारे हिसाब से 1 यूनिट का टाइम लग रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 15, तो ए को कितना टाइम लगेगा, कुल मिला के 15 मिनट ऑप्शन नंबर ए। पी इज 6 टाइम्स
एज लार्ज एज क्यू, तो ये पी है ये क्यू है, क्यू मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो पी पक्का उससे 6 गुना ज़्यादा होगा, 6 गुना होगा मतलब यानी 600। आपको बताना है द परसेंटेज दैट क्यू इज़ लेस देन पी इज़, तो क्यू जो है वो पी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। इससे पहले ये निकालें हम, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना कम है। तो क्यू हमारे पास 100 है, पी है 600, तो क्यू पी से कितना कम हुआ, 500 रुपये कम हुआ। तो 500 रुपये कम हुआ किस पे, आपको कंपेयर करना है पी से, तो नीचे किसको लिखेंगे, पी को। लेस देन के बाद जो कुछ भी दिया होता है उसी से डिवाइड करते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यानी 600। ये आ जाएगा 5/6, 5/6 का मतलब होता है 83 1/3%, या फिर आप कह सकते हैं 83.33%, ऑप्शन नंबर बी। इफ़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यूब प्लस 1/P³। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1/P² ये है 47। अगर मैं दोनों तरफ दो ऐड कर दूँ, मैंने यहाँ पे भी दो ऐड कर दिया और उधर भी दो ऐड कर दिया, ये बना 49 और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बना पी प्लस 1/P का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा पी प्लस 1/P और ये बचेगा 7, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, पी क्यूब प्लस 1/P³ की तरफ, तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। RHS में हमारा बचेगा 343, जबकि यहाँ पे पी प्लस 1/P के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, पी क्यूब प्लस 1/P³ प्लस 3 × p × 1/P इंटू पी प्लस 1/P। ये पी से पी कटा, पी प्लस 1/P कितना है, पी प्लस 1/P हमने निकाला है 7, तो इसको 7 में रख देता हूँ यहाँ पे। पी क्यूब प्लस 1/P³ प्लस 3 × 7 = 21 और ये है 343। तो पी क्यूब प्लस 1/P³ कैसे निकलेगा, इस 21 को ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 343 − 21। अगर 20 कम करेंगे तो 323 होगा, एक और कम करेंगे तो 322 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बस रन्स 50 km/h, बस की स्पीड हमें दे रखी है 50 km/h। इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 10 km/h, तो पहले थी 50, अभी हो गई 10 बढ़ के 60। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इट विल कवर 20 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम। अब ये जो लिखा हुआ है ना सेम टाइम, तो आप समझ चुके हैं कि जब 50 की स्पीड से आप चल रहे थे तो भी आपको उतना टाइम लगा, और जब आप 60 की स्पीड से चल रहे थे तो भी आपने उतने ही टाइम तक गाड़ी चलाई। तो जब आप 60 की स्पीड से उतने ही टाइम तक गाड़ी लेके आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, और ज़्यादा कितना कवर किया, 20 किलोमीटर, लेकिन टाइम तो उतना ही लगा ना। आखिर टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। पहले डिस्टेंस मैंने मान ली डी और स्पीड कितनी थी 50, अब वही टाइम यहाँ पे है तभी तो इक्वल टू का साइन है, और अब की बार डिस्टेंस है 20 ज़्यादा, डी प्लस 20, और अब की बार स्पीड कितनी है 10 बढ़ के 60। 0 से 0 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो 6D इज इक्वल टू 5D प्लस 20 = 100। 5D आया इधर तो हो गया नेगेटिव, यानी D बराबर 100, तो वो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। और पूछा क्या है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अ ट्रेडर बाउट 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस एट ₹400/kg। काफ़ी महंगा चावल लगता है, 400 रुपये/kg के हिसाब से 10 किलो का राइस वो खरीद के लाता है। अब ये जो 10 किलो चावल खरीद के लाता है, इनमें से आधी क्वांटिटी, ही सोल्ड हाफ दी क्वांटिटी, तो 10 का आधा कितना हुआ 5 किलो, तो 5 किलो को इसने 20% लॉस में बेच दिया। अब ये जो लॉस है इसको दिखाने के लिए मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ किया हुआ है, इस माइनस का मतलब है लॉस। एंड द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, 10 किलो टोटल था, 5 किलो उसने बेच दिया है, तो बाकी का 5 किलो ही तो बचा ना, इसको इसने 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा। तो ये जो नंबर है 5 और 5, इसका हम सिंपल सा रेशियो ले सकते हैं अगर हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। तो
पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, आपको बताना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट या लॉस। तो एक आर्टिकल पहली बार आपने 20% के लॉस में बेचा, दूसरी बार आपने 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, -20 + 10, अभी भी आप 10 रुपये लॉस में ही तो है ना, भले ही आपने प्रॉफिट में बेचा लेकिन चूंकि पहले ज़्यादा लॉस में बेच चुके थे इसलिए आपका लॉस अभी भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो 10% का लॉस यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अ पाथ इज 2.5 मीटर विड्थ सराउंड्स अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस। तो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसको बना के आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीके का कोई गार्डन आपके सामने है जिसकी लंबाई 10 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 8 मीटर की है। अब उसके तरफ चारों तरफ एक पाथ है, मतलब एक सड़क टाइप की बनी है जो कि इस पूरे के पूरे फिगर को चारों तरफ से घेर रही है। तो रेक्टेंगल को जो घेरने वाला जो फिगर है वो भी तो रेक्टेंगुलर ही होगा ना, तो ये जो पाथ है ये ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगुलर होगा, चाहे सवाल में दिया हो या फिर ना दिया हो। तो डिफरेंट कलर से मैं आपको ये पाथ बना के बताता हूँ। अब इन्होंने एक चीज़ ये नहीं बोली हमसे कि पाथ को अंदर की तरफ बनाएं कि बाहर की तरफ बनाएं। तो अगर कुछ ना दिया हो ना तो आप हमेशा पाथ को बाहर की तरफ बनाएंगे। तो मैं इस पाथ को बाहर की तरफ ऐसे बना देता हूँ। ये जो विड्थ है, ये जो पाथ की चौड़ाई है, हर तरफ से 2.5 मीटर है। ऑल दो इस फिगर में लग नहीं रही है लेकिन फिर भी आप 2.5 मीटर मान के चलिए, हर तरफ से ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपको इसमें बताना क्या है, एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ। तो अगर इन्होंने ये पूछा होता केवल और केवल पाथ का एरिया बताओ तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती, लेकिन पाथ को इंक्लूड करते हुए जो बड़ा फिगर है ना, ये पूरा का पूरा नीला वाला इस लाल वाले को मिलाते हुए आपको इसका एरिया बताना है। तो ये जो नई लंबाई है ये आप बताइए कितनी हो जाएगी। ये लाल वाली लंबाई 10 थी, 2.5 इधर से बढ़ी, 2.5 उधर से बढ़ी, 2.5 2.5 पाँच, तो 5 बढ़ने के बाद 10 से 15 ही तो हुई। इसी तरीके से ये जो नई चौड़ाई है इस बारे में आप बताएं, तो 2.5 तो ये रेड वाली लेंथ है, ये वाली, अब 2.5 सॉरी ये तो 8 है ना रेड वाली, 2.5 ऊपर से बढ़ी, 2.5 नीचे से बढ़ी, कुल मिला के 5 बढ़ी, 8 पहले से थी तो 8 5 13। आई थिंक लंबाई और चौड़ाई ये जो ब्लू वाले फिगर की है आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका एरिया आसानी से बता सकेंगे हम लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 × 13 यानी कि 195 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए।